Good morning, students, and welcome to your class of ELGA 14. So today, students, we will be doing our next chapter, that is Journey Towards Change, in the Unit 1, which is Fundamental Rights and Duties. So this chapter, Journey Towards Change, is on SR 11 in your book, and this is about a woman who sees some kids begging on a traffic signal and starts thinking that these kids should also get the education. Matlab, ek din ek young lady whose name is Shaheen Mistry, okay, we will read in the chapter. वो लेडी जा रही होती है कहीं पे और रास्ते में एक सिग्नल पे रुकती है, जैसे हम रेड लाइट पे रुकते हैं, और वहाँ पे उसको कुछ बच्चे बेगिंग करते हुए दिखाई देते हैं. सो शी स्टार्ट्स थिंकिंग कि ये बच्चे यहाँ पे बेगिंग क्यों कर रहे हैं, ये बच्चे इतने पुअर हैं, इतने गरीब हैं, ये लोग पढ़ नहीं सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते, तो वाई नॉट टू डू समथिंग फॉर देम. एंड वो कुछ चेंज करने की सोचती है, एंड दैट्स वाई द चैप्टर्स नेम इज़ जर्नी टूवर्ड्स चेंज. और वो क्या चेंज करती है उस सोसाइटी में, पुअर किड्स के लिए क्या करती है, लेट्स फाइंड आउट. इट वॉज अ हॉट डे इन मुंबई. नाउ द गर्ल वॉज फ्रॉम मुंबई. अ यंग गर्ल शाहीन मिस्त्री वॉज ट्रैवलिंग इन अ टैक्सी. द टैक्सी स्टॉप्ड एट अ सिग्नल. एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी टैक्सी रुकती है. सम किड्स नॉक्ड ऑन द टैक्सी विंडो. दे वॉन्टेड मनी. उनको पैसे चाहिए थे. कुछ बच्चे आके उसको नॉक करते हैं टैक्सी में और पैसे मांगते हैं, मतलब बेगिंग कर रहे होते हैं, भीख मांगते हैं. शाहीन फेल्ट सैड टू सी देम बेगिंग. बेगिंग क्या होती है, भीख मांगना. तो शाहीन को बहुत बुरा लगा कि वो बच्चे भीख मांग रहे हैं. दे लिव्ड ऑन द रोड्स एंड नेवर वेंट टू स्कूल. वो बेचारे बच्चे रोड्स पे ही रहते थे और कभी भी स्कूल नहीं गए थे. शाहीन वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर दिस पुअर किड्स. तो शाहीन ने उसी समय सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए इन गरीब बच्चों के लिए. सम डेज लेटर शी स्टार्टेड टीचिंग द चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम. अब स्लम क्या होता है बच्चों, ओके, वी विल जस्ट गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज स्लम. स्लम बच्चों, जैसे हम इसको आम तौर पे हिंदी में कह देते हैं झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी, जो कि एन ओवर क्राउडेड लिविंग एरिया इन अ सिटी वेयर मोस्टली पीपल लिव विद लेसर मनी लिव. जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, पक्के घर बनाने के पैसे नहीं होते, वो ऐसे ही टेम्परेरी हाउसेस बना के रहते हैं, और वहाँ पे बहुत छोटी छोटी झुग्गियों में बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग रहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू बाय फैंसी एंड बिगर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, सुरेखा लिव्ड इन अ स्लम इन दिल्ली. नेक्स्ट इज सेक्टर्स. सेक्टर्स क्या होते हैं, यूजुअली हमारे सिटीज़ में होते हैं सेक्टर्स. ये क्या है, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर. ये वो सेक्टर है जो जॉब का सेक्टर होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स और एक्टिविटीज़ पीपल डू और एंगेज इन अ कंट्री. जैसे कि कोई, जैसे एजुकेशनल सेक्टर, जैसे हमारा स्कूल एक एजुकेशनल सेक्टर का पार्ट है, ठीक है, एक बैंकिंग सेक्टर. ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं एक कंट्री के अंदर, उनको हम सेक्टर्स कहते हैं. फार्मिंग इज़ ऑल्सो अ सेक्टर, ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ सेक्टर. फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सेक्टर्स इन आर कंट्री. आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज सेक्टर्स. नेक्स्ट वर्ड इज मूवमेंट. अ वे टू वर्क टूगेदर फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्स और गोल्स. हम मूवमेंट वर्ड यूजली पढ़ते हैं कभी कभी SST में, ये वाला मूवमेंट, वो वाला मूवमेंट, पास्ट में, राइट. क्या होता है मूवमेंट, कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्स और गोल्स, एक पर्टिकुलर एम को माइंड में रखते हुए अगर कुछ लोग एक वर्क करते हैं टुगेदर, ठीक है, कुछ प्लान करके एक ही साथ में कुछ काम करते हैं, किसी चीज़ के भी गोल को सेट करके माइंड में, उसको मूवमेंट कहते हैं. जानकी स्टार्टेड अ मूवमेंट टू स्टॉप यूजेज ऑफ प्लास्टिक इन हर बिल्डिंग. अब उनका एम क्या था, यूजेज ऑफ प्लास्टिक को स्टॉप करना अपनी बिल्डिंग में. इस एम को सेट करके उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज कम्युनिटी. क्या होती है कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम एरिया और हैविंग सम कॉमन इंटरेस्ट्स.
हमारी कम्युनिटी क्या होती है, जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पंजाबी कम्युनिटी, हम ऐसे कह देते हैं ना, हमारी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं हमारे सिटीज़ में भी, कास्ट पे से रिलेटेड भी हो जाती हैं कभी कभी कम्युनिटीज़, और कभी कभी कुछ ऐसी इकट्ठे लोग जो इकट्ठे जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं उनको भी हम कम्युनिटी कह सकते हैं. माय कम्युनिटी लाइक्स टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नाउ. हमारा वर्ड आया था स्लम, तो स्लम हमने अंडरस्टैंड कर लिया. इट्स अ प्लेस, कच्चा हाउसेज वेयर पुअर पीपल लिव. शी अटेंडेड कॉलेज इन द मॉर्निंग एंड टॉट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग. तो वो शाहीन मिस्त्री क्या करती थी, सुबह अपना कॉलेज अटेंड करती थी और शाम को बच्चों को पढ़ाने जाती थी. सोन शी स्टार्टेड द आकांक्षा सेंटर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज. और ऐसे ही करते करते उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया इन चीज़ों में, पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए. एंड उसने एक आकांक्षा नाम से सेंटर स्टार्ट किया जहाँ पे वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी. हेयर दे कुड लर्न एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स. यहाँ पे वो पढ़ सकते थे और इवेंचुअली अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते थे. शी रिक्वेस्टेड यंग कॉलेज स्टूडेंट्स टू जॉइन हर एंड टीच हर दीज किड्स फॉर फ्री. वो अपने साथ के फेलो स्टूडेंट्स को, अपने साथ के अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस करती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि इन बच्चों को फ्री में पढ़ाएं. दीज टीचर्स वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एंड आस्क्ड पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द आकांक्षा सेंटर टू लर्न. फिर वो टीचर्स उसके साथ जो मिलते थे वो गली गली में जाते थे मुंबई की और पेरेंट्स को कन्विंस करते थे, गरीब लोगों को, कि आप अपने बच्चों को हमारे सेंटर पे भेजो, हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं. सलमान सईद स्टडीड इन वन सच सेंटर. ही वॉज बॉर्न ऑन अ पेवमेंट इन मुंबई. सलमान सईद एक ऐसा बच्चा था जो ऐसे सेंटर में पढ़ता था. वो ऐसे ही किसी मुंबई के किसी रोड साइड पे पैदा हुआ. हिज मदर कलेक्टेड गार्बेज टू मेक मनी. उसकी मदर जो थी वो कूड़ा कचरा इकट्ठा करती थी इधर उधर से और वो स्क्रैप की दुकानों में बेचती थी टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए. इन क्लास टू ही हैड लेफ्ट हिज स्कूल एंड स्टार्टेड सेलिंग बुक्स एज एट अ ट्रैफिक सिग्नल. थोड़े टाइम वो स्कूल गया बच्चा, लेकिन क्लास टू पढ़ने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और ट्रैफिक सिग्नल्स पे बुक्स बेचने लगा. वन डे अ टीचर फ्रॉम आकांक्षा सेंटर सॉ हिम एट द ट्रैफिक सिग्नल. शी आस्क्ड हिम टू जॉइन द सेंटर एंड कंटिन्यू हिज एजुकेशन. आफ्टर सेवरल रिक्वेस्ट्स सलमान स्टार्टेड स्टडिंग अगेन. एक दिन एक आकांक्षा सेंटर की टीचर ने उसको ट्रैफिक सिग्नल पे देखा और उसको सेंटर ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया. आफ्टर सेवरल रिक्वेस्ट्स, कई बार उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने के बाद सलमान ने दोबारा पढ़ाई करना शुरू किया. विद द हेल्प ऑफ द टीचर ही गेव हिज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स. और अपनी टीचर के कहने के बाद उसने 10th क्लास के एग्जाम्स दिए और उनको बहुत फ्लाइंग कलर्स. का क्या मतलब होता है बच्चों, बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे से उसने विद वेरी गुड मार्क्स उन्होंने पास किया. ही ऑल्सो गॉट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज. सून मोर पीपल ज्वाइन आकांक्षा. इन द लास्ट 25 ईयर्स मोर देन 6500 चिल्ड्रन हैव स्टडीड इन द 60 आकांक्षा सेंटर्स एंड 20 स्कूल्स अक्रॉस पुणे एंड मुंबई. तो लास्ट 25 ईयर्स में, अब ये 25 ईयर्स पुरानी बात है बच्चों, लास्ट 25 ईयर्स में मोर देन 6500 चिल्ड्रन हैव स्टडीड इन 60 आकांक्षा सेंटर्स. इनके 60 सेंटर्स और 20 स्कूल्स इन्होंने सेटअप किए पुणे और मुंबई में. शाहीन नाउ फेल्ट दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स शुड कम टुगेदर. सेक्टर समझ में आ गया ना, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को शुड कम टुगेदर टू ब्रिंग अ चेंज इन द लाइव्स ऑफ दिस चिल्ड्रन. स्टूडेंट्स, क्यों ज़रूरी है गरीब बच्चों को पढ़ाना? बिकॉज बच्चे ही हमारे देश का और हमारा फ्यूचर हैं. अब आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे आगे सक्सेसफुल होगे? तो वो गरीब बच्चों को भी हक है एजुकेशन लेने का और कुछ कर दिखाने का लाइफ में, राइट? तो गरीब से गरीब बच्चे भी अगर अच्छी एजुकेशन लेंगे तो ही हमारे देश का भला होगा.
दिस लेड हर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड टीच फॉर इंडिया. मूवमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर एम को लेके जब हम कुछ काम करते हैं उसे मूवमेंट कहते हैं. तो ये जो अलग अलग सेक्टर से उसने लोगों को बुलाया और इन बच्चों की लाइफ को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, उसके साथ ही दिस लेड हर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट कॉल्ड टीच फॉर इंडिया. और वो एक नई मूवमेंट बना दी उन्होंने, टीच फॉर इंडिया. शी इन्वाइटेड यंग एंड एजुकेटेड पीपल इन द कंट्री टू टीच इन लो इनकम स्कूल्स. मैनी पीपल लेफ्ट देयर सक्सेसफुल जॉब्स एंड जॉइंड टीच फॉर इंडिया. उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और उसका नाम दिया टीच फॉर इंडिया. उन्होंने यंग और एजुकेटेड लोगों को बुलाया जो इन लो इनकम स्कूल्स, क्योंकि गरीब बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे, फीस नहीं दे पाते थे, बहुत कम फीस देते थे, लो इनकम स्कूल्स में बुलाया, बहुत लोगों को इन्वाइट किया और बहुत लोगों ने अपने सक्सेसफुल जॉब्स को छोड़ के इस मूवमेंट का साथ दिया जो अच्छा काम लाइफ में करना चाहते थे, और थोड़ी इनकम पे ही इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. ऑलमोस्ट 27 ईयर्स अगो शहीन मिस्त्री स्टार्टेड टीचिंग अ फ्यू स्टूडेंट्स इन अ कम्युनिटी. आज से ऑलमोस्ट 27 ईयर्स पहले शहीन मिस्त्री ने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थोड़े से लोगों को पढ़ाना शुरू किया था. बट टुडे मोर देन 2000 टीचर्स फ्रॉम टीच फ्रॉम फॉर इंडिया वर्क इन स्कूल्स इन सिटीज सच एज पुणे, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद एट्सेट्रा. आज 27 साल बाद मोर देन 2000 टीचर्स वर्क फॉर टीच फॉर इंडिया मूवमेंट इन ऑल द बिग सिटीज. दे ऑल बिलीव दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एन एक्सेलेंट एजुकेशन. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो बिलीव दैट एवरी इवन पुअर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड नाइसली. डू यू बिलीव दैट? आई होप यू डू. Let's just read this thought also, this thing also. There are various rights mentioned in our constitution. So this is about our constitution. One of them is that every child in India has the right to attend school and get a good education. I hope you all know what is our constitution, students. It is a very important book of the country, the national book in which all the rules and regulations are written. I have been telling this in earlier chapters also, right? So ek important राइट जो सबके लिए लिखा हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूशन में इज राइट टू अटेंड स्कूल एंड गेट अ गुड एजुकेशन. हर किसी को अधिकार है अच्छी एजुकेशन का हमारे देश में. एज इंडियंस इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन एन्जॉय दिस राइट. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द वर्कबुक. द आंसर कीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. ओके, and all the best and see you with the next chapter soon. Bye bye.